अब नीतीश बाबू नहीं रह गए बड़े भाई। बीजेपी ने दोनों सदनों में जबरदस्त खेला कर दिया है, नंबर गेम बदल चुका है। देश में एनडीए की सरकार बनने के बाद भी बिहार की कमान किसके हाथों में होगी, बीजेपी या जेडीयू, ये अभी भी प्रश्न बहुत सामान्य तौर पर पूछा जा रहा है। इस पर अभी तक कोई औपचारिक बयान दोनों ही खेमों से नहीं आया है, जिस पर आए दिन बयानबाजी जरूर हो रही है। बिहार में नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे या नहीं, विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू दोनों बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे या नहीं, बिहार विधानसभा चुनाव में किसके कितने विधायक दिखाई पड़ेंगे, ये सारे सवाल इन दिनों खूब चर्चा में हैं। और इस बीच बीजेपी के नेता अश्विनी चौबे का एक बयान आया, जिसने यहां तक बिहार की सियासत में हड़कंप मचा दिया कि अब जेडीयू यानी एनडीए में फूट दिखाई पड़ रही है बिहार में। अश्विनी चौबे का बयान पहले वो बताते हैं आपको, और उसके बाद जेडीयू का उस पर पलटवार भी बताते हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के नेता अश्विनी चौबे के एक बयान ने बिहार में सियासी उथल पुथल मचा दी है। अश्विनी चौबे ने कहा कि वो चाहते हैं कि बिहार में बीजेपी एनडीए का नेतृत्व करे। अब इस पर जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। जेडीयू के राज्यसभा के सांसद संजय झा ने कहा कि बिहार में एनडीए का मतलब ही नीतीश कुमार है, इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बिहार बीजेपी अध्यक्ष और राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हम 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। बिहार में बीजेपी ने दोनों सदनों में खेल कर दिया है, इसकी चर्चा भी खूब हो रही है, क्योंकि विधानमंडल में सर्वाधिक सदस्यों की संख्या के साथ ही बीजेपी की हनक भी अब बढ़ने लगी है। अब विधानसभा में 78 विधायक और विधान परिषद में 24 सदस्यों की संख्या होने के साथ ही दोनों सदनों में अब बीजेपी शीर्ष पर पहुंच गई है। विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति पद पर बीजेपी ने जेडीयू के आधार वोट बैंक वाले नेताओं को बिठाकर 2025 के विधानसभा चुनाव को साधने की जुगत तेज कर दी है। सीधे तौर पर 14% आबादी वाले यादव समुदाय के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव को विधानसभा अध्यक्ष बनाकर दूरगामी संदेश दे दिया गया है। अब शाहबाद और मगध की हार के बाद विधान परिषद में राजपूत समुदाय के अवधेश नारायण सिंह को सभापति बनाकर पार्टी के रणनीतिकारों ने दूरगामी संदेश देने की पहल की है। लोकसभा में बीजेपी शाहबाद और मगध मिलाकर 5 सीटें हार गई थी। अब ये समझिए कि क्यों बदली है लोकसभा चुनाव में ऐसी स्थिति, 3 विधायकों के सांसद बनने और विधानसभा में त्यागपत्र देने के बाद कैसे अब पार्टी यानी जेडीयू अपना कैसे दमखम कम कर पा रही है, कैसे उसका जो दबदबा है वो कम हो रहा है, दोनों सदनों में बीजेपी कैसे सिरमौर हो रही है, दोनों सदनों के आसन पर बीजेपी विराजमान है और बड़ी पार्टी के रूप में सदन में अधिक समय के साथ नंबर का गेम भी कर गई है। सदन प्रमुख की बात करें तो विधानसभा में नंदकिशोर यादव अध्यक्ष हैं, जबकि विधान परिषद में अवधेश नारायण सिंह कार्यकारी सभापति के रूप में काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में विधानमंडल के 5 सदस्य सांसद बन गए हैं, इसमें विधानसभा के 4 और विधान परिषद के 1 सदस्य सम्मिलित हैं। सुरेंद्र प्रसाद यादव गया से, सुधाकर सिंह बक्सर से, सुदामा प्रसाद आरा से, जीतन राम मांझी गया से, देवेंद्र चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी से लोकसभा के लिए चुने गए हैं। इन सदस्यों के इस्तीफे के कारण दोनों सदनों में दलगत संख्या में काफी फेरबदल हुआ है और इसके बाद जेडीयू के सदस्यों की संख्या घट गई है। विधानसभा के संदर्भ में आपको यह भी बता दें कि कुछ सदस्यों के खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई भी विचाराधीन है, इसलिए उन्हें अभी भी मूल पार्टी के सदस्य रूप में नहीं गिना जा रहा है। बजट सत्र के दौरान सदन में पाला बदलने वालों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है, आगे की कार्रवाई की उम्मीद भी अभी दिखाई नहीं पड़ रही है। वैसे विधानसभा की रुपौली और विधान परिषद की विधानसभा कोटे में 1 सीट के लिए चुनाव प्रक्रियाधीन है। विधानसभा में बीजेपी के सर्वाधिक 78 विधायक हैं और विधानसभा में बीजेपी के सदस्यों की संख्या 78 है, इस लिहाज से 77 विधायकों के साथ आरजेडी दूसरे स्थान पर है और जेडीयू 44 विधायकों के साथ तीसरी बड़ी पार्टी बन चुकी है। विधानसभा में कांग्रेस के 19 और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट के अगर देखा जाए तो 11 और जीतन राम मांझी की पार्टी के 3, सीपीआई अन्य के 2, सीपीएम के 2, एआईएमआईएम के 1 और निर्दलीय 1 सदस्य दिखाई पड़ते हैं।
विधान परिषद की बात करें तो 24 सदस्यों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, 21 सदस्यों के साथ जेडीयू दूसरे नंबर की पार्टी है, आरजेडी के 15, कांग्रेस के 3, सीपीआई, हम के, लोजपा के और इनके सबके एक एक सदस्य दिखाई पड़ते हैं, 6 निर्दलीय भी हैं, परिषद की 2 सीटें खाली हैं। देखा जाए तो नंबर गेम के साथ बहुत मजबूत स्थिति में बिहार में बीजेपी दिखाई पड़ती है दोनों ही सदन में, और अगर दोनों सदन में इस तरह की मजबूती है तो अश्विनी चौबे का ये बयान आना लाजमी है और उस पर सियासत होना भी लाजमी है। लेकिन देखिए तो जिस तरह से लगातार खबरें आ रही हैं कि दोनों ही खेमों से बयानबाजी का दौर जारी है, अब ये सवाल जो हमने शुरुआत में किया था कि क्या वाकई में नीतीश कुमार अब बड़े भाई की भूमिका में नहीं दिखाई पड़ेंगे। बिहार है जहाँ राजनीति का खेल हर दिन हर रात बदलता है, अब आने वाले विधानसभा चुनाव में कैसी तस्वीर दिखाई पड़ेगी, कौन सिरमौर नजर आएगा, ये सब पता चलेगा थोड़े ही दिनों में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।